हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिस इज यश योर टेकमेट। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोको की तरफ से लॉन्च हो रहे नए स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये चीज आपको पता है कि पोको की तरफ से 11 तारीख को पोको X6 सीरीज ऑफिशियली लॉन्च की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी लॉन्च इवेंट के दौरान पोको M सीरीज का नया स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाला है, एंड दैट गोना बी पोको M6 Pro 4G। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है इसके लगभग सारे स्पेसिफिकेशन भी रिवील हो चुके हैं, एंड आज की वीडियो में बात करते हैं इसी स्मार्टफोन से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो 11 तारीख को ये जो स्मार्टफोन है ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा, इंडिया में अभी लॉन्च नहीं किया जाएगा, लेकिन नियर फ्यूचर ये जो स्मार्टफोन है प्रोबेबली इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। पोको M6 Pro 5G ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, 4G वेरिएंट शायद आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं इस फोन के बारे में कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर्स है, क्या प्राइस पॉइंट हो सकता है, सारी चीज डिस्कस करते हैं बस एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बातचीत को, और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन आपको अच्छा मिलने वाला है, प्लास्टिक बिल्ड रहेगा, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से प्लास्टिक बिल्ड में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। IP53 की रेटिंग यहाँ पर आपको मिल सकती है, ग्लास फ्रंट रहेगा, प्रोबेबली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको मिल सकता है। सो बिल्ड क्वालिटी तो आपको अच्छी मिलने वाली है, एंड डिजाइन की अगर बात करें तो गुड लुकिंग फोन लग रहा है भाई, लिटरली गुड लुकिंग है। डुअल टोन फिनिश पर आता है, टॉप लेफ्ट में कैमरा सेटअप है, साथ ही में आपको LED फ्लैश मिलता है, पोको की ब्रांडिंग आपको पीछे की तरफ मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैक पैनल से तो गुड लुकिंग है, बैक पैनल में शिकायत नहीं है। फ्रंट में अगर देखेंगे तो सेंटर पंचोल दिया गया है, पतले पतले से बेजल्स हैं, पतली सी चेन आपको मिलती है, तो फ्रंट पैनल से भी गुड लुकिंग है। एंड कलर्स की अगर बात करेंगे तो ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में, पर्पल कलर में, 3 कलर ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दिखने में स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है, बिल्ड एंड डिजाइन में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में, 6.67 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले आपको मिलेगा, कंटेंट वॉचिंग में आपको मजा आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम सिंगल हैंड यूसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, फोन जो है थोड़ा सा बल्की लग सकता है क्योंकि डिस्प्ले काफी बड़ा है। 6.67 इंचेस का जो डिस्प्ले रहेगा वहां पर आपको मिलेगा फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन एंड सुपर एमोलेड पैनल यहां पर आपको मिलेगा, एंड प्रोबेबली 8 बिट का पैनल यहां पर रहेगा, 10 बिट का पैनल शायद यहां पर आपको ना मिले, 8 बिट का पैनल रहेगा, लेकिन 8 बिट का पैनल भी कोई खराब नहीं है भाई साहब, सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है। कलर्स आपको अच्छे मिलेंगे, डेप्थ आपको अच्छी मिलेगी, ब्लैक्स विल बी डीप ब्लैक्स, साथ ही साथ 20:9 का एस्पेक्ट रेशो रहेगा, 393 ppi की पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। डेफिनेटली HDR सर्टिफाइड डिस्प्ले नहीं रहेगा, लेकिन वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन जरूर से आपको मिलेगा। ब्राइटनेस की बात करेंगे, 800-900 nits के आसपास आपको ब्राइटनेस मिल जाएगी, डेफिनेटली विजिबिलिटी का इशू नहीं रहेगा, इंडोर विजिबिलिटी तो भाई साहब अच्छी रहेगी रहेगी, आउटडोर विजिबिलिटी डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर आप फोन को यूज करेंगे आराम से यूज कर पाएंगे, विजिबिलिटी की दिक्कत नहीं रहेगी। साथ ही साथ 1920 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी यहां पर आपको मिल जाएगी, तो भाई साहब फ्लिकरिंग वगैरह का इशू भी यहां पर आपको नहीं मिलेगा, एंड साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट रहेगा, तो डिस्प्ले क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आएगी भाई, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो बताया जा रहा है कि इस फोन के अंदर आपको मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G99 अल्ट्रा चिपसेट। अब इस चिपसेट के बारे में मैंने जब स्टडी करी तो भाई साहब मीडियाटेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई चिपसेट अभी तक लिस्टेड नहीं है, साथ ही साथ कहीं भी इस चिपसेट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो देखा जा सकता है कि ये जो स्मार्टफोन है हीलियो G99 के साथ में ही आएगा, थोड़ा सा प्रोबेबली उसको ट्वीक किया गया होगा, थोड़ा सा ओवरक्लॉक्ड आपको देखने के लिए मिल सकता है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको बेटर दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। वही 3,90,000 के आसपास एंड्रॉइड स्कोर इस चिपसेट का भी निकल करके आएगा, एंड साथ ही साथ LPDDR4X रैम मिलेगा, UFS 2.2 वाला स्टोरेज आपको मिलेगा, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी। बीइंग अ 4G फोन जिस बजट में ये लॉन्च किया जाएगा तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी देगा। G99 आपको पता है भाई अच्छी परफॉर्मेंस देता है, स्टेबल चिपसेट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में शिकायत नहीं आएगी। लेकिन अल्ट्रा का मतलब भाई साहब अभी तक समझ में नहीं आया है कि G99 अल्ट्रा क्यों बोला गया है, क्या इंप्रूवमेंट्स आपको मिलेंगे ये क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ स्लाइट इंप्रूवमेंट्स आपको परफॉर्मेंस में मिल सकते हैं। बात करेंगे कैमरास के बारे में, 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलेगा, प्राइमरी कैमरा रहेगा 64 मेगापिक्सल्स का, एंड अच्छी बात यह है कि OIS का सपोर्ट भी यहां पर आपको मिलेगा, तो कैमरा मॉड्यूल अच्छा मिलने वाला है भाई। साथ ही में 8 मेगापिक्सल्स का कैमरा है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में, 2 मेगापिक्सल्स का छोटू दिया गया है, लेकिन प्राइमरी कैमरा अच्छा है चूंकि OIS यहां पर आपको दिया गया है, मेरे हिसाब से रेयर कैमरा सेटअप अच्छा आपको मिल जाता है।
प्रॉबेबली 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल सकता है अगर सॉफ्टवेयर अलाउ करता है, क्योंकि प्रोसेसर तो अलाउ करता है लेकिन सॉफ्टवेयर में आपको 2K रिकॉर्डिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज को लेकर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 2K रिकॉर्डिंग यहां पर आपको मिल सकती है। एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे तो 16 मेगापिक्सल का यहां पर आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा। एंड सेल्फी कैमरा से आप डेफिनेटली 1080 पिक्सल से ज्यादा की वीडियो आप नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, कैमरा सेटअप अच्छा है भाई, OIS का सपोर्ट है, 64 का प्राइमरी है, 16 का सेल्फी है, इसके अलावा और क्या चाहिए भाई। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से कैमरा सेटअप अच्छा मिलने वाला है, कैमरा में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे बैटरी के बारे में, 5000mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो 6 नैनोमीटर के चिपसेट के साथ में AMOLED का डिस्प्ले और 5000mAh की बैटरी, मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है भाई साहब। बैकअप आपको अच्छा मिलेगा भाई, मतलब डेढ़ दिन का बैकअप, सवा दिन डेढ़ दिन का बैकअप इस बैटरी के साथ में आप निकाल सकते हैं। G99 को मैंने बहुत यूज किया है एंड बैकअप अच्छा देता है, पावर एफिशिएंट चिपसेट है तो बैटरी में आपको शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ 67 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा एंड 67 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर 100% देखने को मिलेगा, तो बैटरी मॉड्यूल में शिकायत नहीं आनी भाई, बैटरी मॉड्यूल आपको बढ़िया मिलने वाला है। चार्ज करने के लिए टाइप सी सपोर्ट मिलेगा, 3.5mm जैक भी दिया जाएगा, उसको गायब नहीं किया जाएगा, ये अच्छी बात है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करेंगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, यस इस फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा। फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलेगा, छोटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलेंगे इंक्लूडिंग IR ब्लास्टर एंड प्रोबेबली NFC भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो सेंसर्स में आपको कमी नहीं मिलेगी। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि एंड्रॉइड 13 पे आपको ये फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 अगर दिया जाता तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन एंड्रॉइड 13 यहां पर आपको मिलने वाला है। साथ ही में MIUI 14 मिलेगा फॉर नाउ, लेकिन बहुत ही जल्दी HyperOS का अपडेट भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा, सॉफ्टवेयर में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे स्पीकर्स के बारे में, प्रोबेबली डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको मिलेंगे एंड क्वालिटी अच्छी रहने वाली है, ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है, लाउड इनफ रहेंगे, स्पीकर क्वालिटी में शिकायत नहीं आएगी। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करेंगे तो हाइब्रिड कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको मिलेगा, 2 नैनो सिम आप लगा पाएंगे या फिर 1 सिम निकाल करके मेमोरी कार्ड लगा करके स्टोरेज को आप एक्सपैंड कर पाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं। रेडमी नोट 13 4G जो लॉन्च हुआ है लगभग वैसा है, थोड़ा सा कैमरा डाउनग्रेड है, बाकी लगभग वैसा ही स्मार्टफोन लग रहा है। एंड भाई साहब पोको है तो मतलब रीब्रांडिंग ही होने वाला है, हल्की फुल्की चेंजेस के साथ में रीब्रांडिंग है, लेकिन ओवरऑल फोन अच्छा लग रहा है। इंडिया में आता है तो भाई साहब बेस वेरिएंट रहेगा 6GB + 128GB, प्राइस इसका होना चाहिए लगभग 13,000-14,000 के आसपास, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ OIS जरूर से दिया गया है जिसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 13,000-14,000 से ऊपर ये स्मार्टफोन नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई, अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में आता है, पहली चीज क्या 2024 में आप 4G स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे, एंड दूसरी चीज अगर करेंगे तो क्या ये स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे एंड किस प्राइस पॉइंट पर खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल बेल ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय।